सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज मैं आपको सूजन को दूर करने का घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। दोस्तों शरीर में जिस जगह पर सूजन होती है वह स्थान फूल जाता है और फिर उसे हाथ से दबाने पर उस स्थान पर गड्ढा सा हो जाता है। दोस्तों सूजन होने पर अरुचि, प्यास, बुखार या हल्का ज्वर, कमजोरी, त्वचा रूखी सी प्रतीत होती है। सूजन अपने आप में दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, यह किसी अन्य बीमारी के कारण हो सकती है। जैसे कि दोस्तों हृदय रोग से होने वाली सूजन हाथों पर होती है, तिल्ली या यकृत के कारण सूजन पहले पेट पर होती है, गुर्दों की बीमारी से उत्पन्न सूजन पहले चेहरे पर होती है, स्त्रियों में मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण हाथ, पैर और मुंह पर सूजन होती है। दोस्तों अगर जिस भी कारण से सूजन पैदा हो उसका अगर इलाज किया जाए तो सूजन अपने आप ही चली जाती है, अतः कारण का पता लगाकर इलाज प्रारंभ कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं आपको कुछ सामान्य उपचार बता देता हूँ जिसके उपयोग से आपको सूजन में अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों ये सूजन चाहे आपका जैसा भी हो, चोट लगने के कारण भी अगर दोस्तों ये सूजन होगा तो इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों कुछ सामान्य उपचार से पेट साफ करने पर हर प्रकार की सूजन भी चली जाती है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सूजन की समस्या को दूर करने का सामान्य उपचार बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको अभी पहला उपचार इसका बताने जा रहा हूँ, बाद में आपको दूसरा उपचार भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो पहला उपचार है उसमें आपको ले लेना है जीरा। जी हाँ दोस्तों जीरा, जिसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, जीरा दोस्तों आपको ले लेना है। और दोस्तों आपको ले लेना है चीनी। जी हाँ दोस्तों चीनी, शुगर आपको ले लेना है। दोस्तों अब आपको एक चम्मच जीरा और एक चम्मच शुगर यानी कि चीनी दोनों को बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों आपको रोजाना एक चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। दोस्तों इस नुस्खे से हर प्रकार की सूजन में लाभ मिलता है, हर प्रकार की सूजन इस नुस्खे से समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा उपचार भी बता देता हूँ। गर्म ठंडे पानी के पर्याक्रम से सेक करने से सूजन में लाभ होता है। पहले 3 मिनट गर्म पानी से सेक करिए, फिर 1 मिनट ठंडे पानी से सेक करिए। किसी भी प्रकार का सूजन होगा दोस्तों वो सूजन बहुत शीघ्र ही चला जाएगा। दोस्तों ये जो उपचार मैंने आपको बताए हैं ये हर प्रकार की सूजन में बहुत ही लाभदायक है। अगर आप सूजन की समस्या से परेशान हैं तो इस क्रिया का प्रयोग जरूर करिए, आपको अवश्य ही फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। सूजन होने पर नमक का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। खाने में दूध, फल, हरी सब्जियाँ, परवल, बैगन, मूंग की दाल, गर्म पानी से स्नान भी करना चाहिए, इससे भी सूजन में बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।